वेलकम टू द चैनल ज्ञापन एकेडमी। यह वीडियो नॉन हिंदी का है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में चर्चा किया गया है जो कि कहा जाता है कि परमात्मा का ये रूप है। एक तरह से समझिए तो परमात्मा, गॉड, अल्लाह, खुदा, जो समझिए, उनका एक रूप है। और ये व्यक्ति खुद को, मतलब खुद के सुख को सुख नहीं, दूसरों को खुश देख के ही अपना सुख समझते हैं। उनके बारे में जिक्र किया गया है, जिनका नाम क्या है यहाँ पे देखिएगा, उनको लोग दीन बंधु भी कहते हैं। आपको बताएंगे कि दीन बंधु का अर्थ क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले जानिए दीन बंधु निराला जो चैप्टर है, ठीक है, इसके लेखक का नाम क्या है, तो आचार्य शिव पूजन सहाय, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। वैसे भी दीन बंधु का मतलब आप समझिएगा जो दीन दुखियों को पार लगा दे, यानी जितने भी दुखी लोग हैं उनकी नैया को पार लगा दे, उनको मदद करने वालों को भी दीन बंधु कहा जाता है। तो आप बताइए कि ऐसे व्यक्ति भगवान के समान होते हैं कि नहीं, दीन बंधु, ठीक है। तो दीन बंधु भगवान के समान होते हैं, और भगवान का नाम क्या है, तो एक तरह से याद रखिए शिव, भगवान शंकर, जिसकी पूजा की जाती है, पूजन, शिव पूजन जो है वो कौन सा पाठ लिखे हैं, दीन बंधु निराला। अब बताइए कि दीन बंधु निराला जो है, इनका नाम वैसे दीन बंधु नहीं है, इनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, लेकिन इनको दीन बंधु कहा गया है। रहीम ने स्वयं, एक महाकवि है, बहुत ही बड़े कवि हैं, उन्होंने स्वयं इनको दीन बंधु कहा, यानी भगवान का एक रूप कहा है, गॉड का रूप कहा है। देखिए कैसे, सबसे पहले देखिए इनका जिंदगी है कैसे, थोड़ा सा जीवनी के बारे में जानते हैं। एक संवेदनशील साहित्यकार के सरोकारों, यानी कि एक जो भी संवेदनशील एक साहित्यकार हैं, इनके सरोकारों और संघर्षों को प्रकट किया गया है। ये जिंदगी में अपने कितना स्ट्रगल किए हैं, मेहनत किए हैं, ठीक है, और ये दूसरों के लिए क्या क्या किए हैं उसके बारे में जिक्र किया गया है, संघर्षों को प्रकट किया गया है, और इनके व्यक्तित्व, इनका जीवन कैसे गुजर रहा है, ठीक है, और जीवन के पहलुओं का वर्णन किया गया है, यानी एक एक पॉइंट के बारे में वर्णन किया कि इनका डेली रूटीन किस हिसाब से चल रहा है, ये लोगों को किस तरह देखना चाहते हैं उसके बारे में जिक्र किया गया है। यही है बाबू यहां पे दीन बंधु। देखिए महाकवि रहीम ने इनको दीन बंधु भगवान कहा है, एक कवि जो है रहीम जो है इनको बोले हैं कि दीन बंधु भगवान कहा है, भगवान का दर्जा, गॉड का दर्जा दिया गया है। आखिर क्यों, यहां देखिए क्या बात बोला, ये सेंटेंस इन्हीं पर सूट करता है, किस पर, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी पर, जो ये आचार्य श्री पूजन सहाय हैं, ये खुद एक कवि होकर के एक कवि के बारे में यहां पर जिक्र किए हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी जी ये जिक्र किए हैं। देखिए रहीम जी क्या बोले हैं, जो रहीमन दिन ही लख है, दीन बंधु सम होए, सम मतलब होता है समान, ठीक है, यानी कि जो रहीमन दीन ही का मतलब होता है दुख, जो भी ये दुख गरीब लोगों को कहा जाता है, ठीक है। तो रहीम जी कह रहे हैं जो दुखियों को देखता है, ठीक है, उनके दुखों को समझता है, ठीक है, वही दीन बंधु के समान होता है, यानी भगवान के समान होता है। आप समझ रहे होंगे सम यानी होता है बराबर, ठीक है, मैथमेटिक्स में आप पढ़े होंगे सम मतलब वहां पे योग भी होता है, लेकिन हिंदी का जब सम आ जाए, समबाहु त्रिभुज सम, तो वहां पे क्या होगा, सम मतलब बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए इनका कार्य थोड़ा सा देखें, ये जो दीन बंधु है ये देखिए यहां पे पीड़ितों को काफी मदद करते हैं, ठीक है, दुखियों को ढूंढ ढूंढ करके उनकी सेवा करते हैं, उनके प्रॉब्लम को समझते हैं और उसको दूर करते हैं, यानी कि इनमें इतना डेडिकेशन की भावना है, ठीक है। ये सारे जितने भी गरीब लोग हैं उनको हर एक स्टेप पर मतलब मदद करते हैं, और सिर्फ दिमाग में यही चलते और बिना स्वार्थ के, ठीक है, जो है यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बिना स्वार्थ के इनकी मदद करते हैं, सेवा करते हैं। अगर खाते वक्त अगर कोई गरीब व्यक्ति भूखा आ जाए तो अपना खाना उन्हें दे देते हैं, ठीक है, ताकि वो भूखा ना जा पाए, ठीक है, और उनको देने के बाद से ऐसा नहीं कि उनको बुरा लगता था, उनको देने के बाद से बहुत ही आनंद महसूस होता था, क्योंकि वो सामने वाला जब खुश होता था दूसरे के चेहरे पर खुशी देखते थे, ठीक है, तो इनके अंदर बहुत मतलब अंदर खुशी होती थी। आजकल दूसरे के खुशी को देख करके लोगों के अंदर क्या हो जा रहा है, मतलब सबसे बड़ा पहाड़ टूट पड़ा कि वो खुश क्यों है। एक लेसन में आपको हम बताए भी थे, ठीक है, ईर्ष्या चैप्टर था वो। यहां देखिए अपना भोजन दूसरों को दे देने के बाद भी वो क्या रहते थे, प्रसन्न रहते थे, अगर कोई गरीब आ जाए और वो खा रहे हैं तो अपना खाना छोड़ करके उसको दे देते थे, उनको खुशी मिलती थी, ये ऐसे थे। अब देखिए थोड़ा सा देखते हैं ऐसे व्यक्ति, देखिए कहा जाता है कि आप दूसरों के बारे में
मतलब सोचिएगा, ठीक है, तो भगवान गॉड खुदा आपके बारे में जरूर सोचेगा। आप खुद के बारे में जब सोच रहे हैं तो क्या जरूरत है भगवान को याद करना, आप तो खुद अपना केयर कर ही रहे हैं। दूसरों का भला करने से इंसान को लाभ होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भला का उल्टा ही लाभ होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए भला और इसका उल्टा किया तो लाभ। याद रखिएगा, ये जिंदगी में आप दूसरों को जितना कोऑपरेट कीजिएगा गॉड आपको उतना ही कोऑपरेट करेगा। ठीक है, दूसरों के समस्याओं को समझिए। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति दोषी होता है, किसी कंडीशन में फंस भी तो सकता है और आपके साथ वो गलत करने को तैयार हो जाए। ठीक है, तो हर व्यक्ति दोषी नहीं होता है, परेशानी और समस्या और मजबूरी उसे गलत काम करने पर मजबूर करता है, ये दिमाग में रखिएगा। यहाँ देखिए इनका शारीरिक बनावट, देखिए कितना अट्रैक्टिव है, कितने स्मार्ट है। कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी। और 1% इनके अंदर ईगो नहीं है और ना ही कोई अंदर डिमेरिट इनके अंदर है। देखिएगा कैसे, यहां देखिए इनका शरीर आकर्षक रूप, यानी कि एकदम अट्रैक्टिव स्मार्ट चेहरा। ठीक है, लंबे तगड़े शरीर, एकदम शरीर से भी दुबले पतले एकदम नहीं है। ठीक है, एकदम लंबे शरीर है, सुंदर एकदम। और देखिए स्वास्थ्य विलक्षण, मेगा शक्ति, यहाँ पे इनका स्वास्थ्य भी बहुत ही मजबूत है। हम आपसे बता चुके हैं कि अगर आप दूसरे को खुश देखते हैं और दूसरे को खुश रखने की कोशिश करते हैं तो आपके साथ खुदा भगवान गॉड ये हैं। ठीक है, मनोहर आवाज, और इनकी आवाज इतनी मतलब क्या बोलते हैं सुरीली थी, बहुत ही मनोहर आवाज थी। ठीक है, जो मनो को हर ले, मनो को बस में कर ले, सारे लोग इनके मनोहर आवाज सुनने के लिए काफी मतलब उत्सुक रहते थे। यहां देखिए दया का भाव, और जैसे इनका पर्सनालिटी तो बहुत ही अच्छा था। ठीक है, और उनके अंदर भावना भी वैसी ही थी। ठीक है, ये नहीं कि अच्छे खासे शरीर से हैं तो किसी को भी नीचे दबाने की कोशिश करें। ठीक है, ये अंदर दया का भाव था, किसी के प्रति रुझान था इनका। ठीक है, चिंतनशील मस्तिष्क, और कोई कोई चीज़ ये दिमाग में सोचते रहते थे कि हम लोगों को कैसे खुश रखें ताकि मेरे वजह से और मेरे कारण और मेरे द्वार से कोई भी व्यक्ति खाली नहीं जाए, इनके अंदर यही था। कभी कभी तो ऐसे भी हो जाता था कि धूर्त लोग कुछ लोग होते हैं, पैसा रुपये से ठीक है लेकिन आकर के जबरदस्ती इनके द्वार पे दुख रोने लगते थे। ठीक है, और कहते मेरे पास ये नहीं है, ये सब ये कुछ नहीं समझते थे। बस इनके पास अगर कोई कुछ मांगने के लिए आता है तो ये खाली हाथ नहीं जाने देते हैं। ठीक है, इनके पास जो भी चीजें होता है वो अपने तरफ से पूरा मदद करते हैं। अगर इनके पास वो चीजें नहीं है तो हाथ जोड़ करके और उनसे रिक्वेस्ट करके उनको समझाते हैं कि मेरे पास ये चीज नहीं है, और सारे लोग मान भी जाते हैं। ठीक है, लुभावनी आंखें, आंखें तो इनका इतना मस्त, बहुत ही खूबसूरत था, अब ज्यादा तारीफ क्या करें। ठीक है, मतलब घुंघराले बाल, और इनका जो बाल था वो भी बहुत अच्छा था, घुंघराले बाल, और मतलब कि ये पर्सनालिटी पूरा शरीर से लेकर के और पर्सनालिटी बहुत ही जबरदस्त और स्मार्ट व्यक्ति थे, लेकिन कभी घमंड नहीं किए और हमेशा लोगों की मदद करते रहे। इनका दांत अनार की तरह एकदम दंतपंथी, अनार जिस तरह एक दूसरे से सजा होता है वैसे इनका मतलब दांत बहुत ही जबरदस्त था। ठीक है, पतले होंठ, चौड़ी छाती और सीना भी बहुत चौड़ा था इत्यादि, इनमें दुनिया की सभी क्वालिटी मतलब क्या बोलते हैं उसे, पूरा दुनिया की सभी क्वालिटी इनके अंदर है। ठीक है, यानी एक तरह से हम बोले तो हिंदी भाषा में सर्वगुण संपन्न। ठीक है, यानी सभी गुण इनके अंदर था अच्छाई वाला। ठीक है, और शरीर से भी बहुत अच्छे थे। खूबसूरती के बाद भी आंख उठाकर भी नहीं देखते, यानी किसी पर मतलब बुरे नजर कभी नहीं डालते, इतना स्मार्ट होने के बाद भी। इनके चारों तरफ लोग इर्द गिर्द इनको मतलब इनको अपने तरफ लोग अट्रैक्ट करने के लिए घूमते रहते, स्त्री और पुरुष जो भी इनका बात सुनते रहते, कुछ स्त्री इनके आगे पीछे घूमती भी रहती, लेकिन कभी भी ठीक है इनको बुरे नजर से नहीं देखते थे। हमेशा लोगों की भलाई के ही बारे में सिर्फ सोचते थे और उसी के बारे में सिर्फ चिंतन करते थे। ठीक है, अब देखिए, लेकिन कभी कभी अपने पर्सनालिटी का ही सही फायदा भी उठाते थे। किस तरह? जब कोई बात देश के बारे में बोलना हो और कोई भी व्यक्ति देश के लिए गलत सोच रहा है तो उस समय इनका चेहरा काफी मतलब उसी रूप में आक्रामक मूड में आ जाते थे। देखिए, देश की विषमता पर वे अत्यंत उग्र और साम्यवादी जैसे हो जाते थे, एकदम उग्र, क्योंकि देश का भलाई जो व्यक्ति पूरे मतलब मानव जाति का नहीं पूरे सृष्टि का अच्छा चाहता हो, अगर कोई बुरा करे तो उसके लिए वो साम्यवादी तो हो ही जाएंगे। साम्यवादी आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो वीडियो में हिस्ट्री के वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा, उसमें पढ़ाएं, और ये भी चैप्टर हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साम्यवादी रूप में एकदम धारण कर लेते थे। अब देखिए, ये थे तो उस साइड जहां पे कलकत्ता में, यहां पे देखिएगा
कलकत्ता जैसा धन क्या होता है, धनवानों का शहर है, यानी वहाँ पे बहुत पैसे रुपये वाले लोग हैं, लेकिन कोई भी धनवान किसी भी गरीब व्यक्ति का हेल्प नहीं करता है। कलकत्ता में भी यही निराला जी ही क्या किए हैं, पूरे लेकिन दुख जितने भी हैं, कोढ़ियों को, जो भी लंगड़े लूले जो भी व्यक्ति हैं, उन लोगों को सबसे पहले मदद कोई करने जाता है तो वो कौन है, निराला जी हैं, जिनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, इन्हें दीन बंधु भी कहा जाता है। दीन बंधु इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दीन बंधु का मतलब होता है जो दुखियों का, दीन दुखियों का क्या करें, मदद करे, सहारा दे। ठीक है, और अपना काम छोड़ करके और उन लोगों के प्रति क्या हो, काफ़ी जागरूक रहे, तो इसीलिए इनको दीन बंधु कहा जाता है। अब देखिए यहां समझिएगा, निराला जी जो है, निराला जी की उदारता से प्रभावित लोग, अब जब ये जब भी जाते थे तो इनसे प्रभावित लोग, क्योंकि ये पूरे समाज में भलाई का काम किए हैं, तो जब भी ये कहीं से गुजरते थे तो लोग, रिक्शा वाले या फिर कोई भी लोग, इनको मतलब हमेशा प्रणाम और सलाम करते रहते थे। इनका काफी ज्यादा समाज में रेस्पेक्ट था। ठीक है, कहा जाए कि अगर भगवान ने, खुदा ने आपको जुबान दी हो तो इस जुबान का अगर सही मायने में इस्तेमाल करना है तो एक बार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का तारीफ कर दीजिए। समझिएगा, आपका जुबान, गॉड का दिया हुआ ये जो मुंह हमारा है, ये सफल हो गया। ठीक है, इतना तक ये कवि कौन, आचार्य शिवपूजन जी जो हैं ये बोल दिए हैं कि इतना इनमें मैरिट है, यानी कि इतनी अच्छाई भरी हुई है कि इसमें, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, इससे भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब बन जाएगा। और देखिए, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे रिलेटेड आपको मल्टीपल चॉइस, सब्जेक्टिव और मैराथन क्लास में आपको पूरे बुक का निचोड़ बताया जाएगा कि कहां से क्वेश्चन आएगा, और उसी में से ये गारंटी है कि क्वेश्चन रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो समझ में आया होगा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।